ये देखें, ये तकरीबन 200 साल पुराना सीढ़ी है, पुरानी सीढ़ी जो काबा के अंदर जाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। चलिए मैं आपको जल्दी जल्दी से थोड़ा सा, बस आप शेयर करें, आप लोग शेयर नहीं कर रहे, बस शेयर करेंगे मैं आपको चीज़ दिखाऊंगा। इस म्यूज़ियम के अंदर मेरे अलावा कोई भी नहीं है, ठीक है जी। जल्दी जल्दी शेयर करें। ये दोलाब जो है खाना काबा के अंदर रखा जाता है, ठीक है जी। ये पुराने खोल हैं जो ये सल्तनत उस्मानिया के दौर का खोल है हजरत अस्वद का, और ये खोल जो सऊदी हुकूमत के शुरुआती दौर का है, ठीक है जी। ये जो है काबा को पकड़ने के लिए जो है गिलाफ़ काबा को, उसके लिए है किले, गिलाफ़ काबा को जो है मजबूत करने के लिए किले इस्तेमाल की जाती हैं। ये अभी सोने का दरवाज़ा लगा है काबे पे, लेकिन ये जो है इसका है पीतल का और तांबे का दरवाज़ा बना हुआ है। काबे का पहला दरवाज़ा ये था। और ये देखें भाई, ये जो है सल्तनत उस्मानिया के दौर में जो काबा के अंदर जो अलमारी रखी जाती है, ये वो है। तारीख इसकी देख लें, 1858। ये जो है भाई, ये गिलाफ़ काबा बनाने की पहली मशीन इस तरह से बनाई जाती थी। इस मशीन से जो गिलाफ़ काबा बनाया जाता था, आप देखें। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। ये है अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, सहाबा के दौर की जो है ये लकड़ी है। उस दौर में ये लकड़ी इस्तेमाल की गई थी, देखें 63 हिजरी। इन 1400 साल पुरानी लकड़ी है, ये काबा के अंदर इस्तेमाल की थी काबा की छत को पकड़ने के लिए, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आप देखें, ये उसी लकड़ी का जो है, क्योंकि तीन पिलर होते हैं काबा के अंदर, एक पिलर तो मौजूद है और दूसरे पिलर का कुछ हिस्सा यहाँ पर मौजूद है। जितने भाई भी देख रहे हैं यार, शेयर ज़रूर करें आप लोग, ये ज़्यादती होगी आपकी तरफ से अगर आप शेयर नहीं करेंगे। ये देखें, ये जो है काबा के दरवाज़ा जो है उसके ऊपर जो है ये सोने की जो है पट्टी लगी होती थी सल्तनत उस्मानिया के दौर में, जो अभी तक मौजूद है यहाँ पर। चलते हैं आगे। काबा में तवाफ करवाने के लिए पहले ये जो है, ये देख रहे हैं आप, ये इस्तेमाल होता था। ये जो है इस लकड़ी के ऊपर बिठा के तवाफ करवाते थे बुजुर्ग लोगों को, ज़ईफ़ लोगों को। फिर उसके बाद ज़माने ने तरक्की की, फिर ये दौर आया व्हीलचेयर, फिर ये दूसरे वाली व्हीलचेयर आई, और आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर चल रही है हरम के अंदर। अल्लाह अकबर, ये आप देख रहे हैं।